नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए बात करते हैं आज की खबर स्टोरी की। आपने सियासी रंजिश के बारे में तो बहुत सारे कारनामे सुने होंगे, लेकिन जो आज हम आपको कारनामा बताने जा रहे हैं वो जरा हटके है। बात करते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव की, जब फतेहपुर चिड़िया के कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी की मदद की। सिला यह मिला कि जब कांग्रेस की सरकार बनी तब उन पर मामला दर्ज करा दिया गया। अब मामले के बारे में जानकारी देते हैं। मामला था नगर काउंसिल की किराए की दुकान का। 2018 में फतेहपुर चिड़िया ने 8 लोगों के खिलाफ नगर काउंसिल की दुकानों का किराया न देने और ताला तोड़ने का मामला दर्ज कराया। 8 लोगों में एक औरत भी थी जिसको मरे 10 साल हो चुके हैं। मरी औरत पर आरोप है कि उसने और उसके बेटे ने मिलकर झगड़ा किया था। वहीं मृतक औरत के बेटे का कहना है कि नगर काउंसिल की दुकान के किराएदार हैं हम और हम पर रंजिशन सियासी मामले दर्ज कराए गए हैं। हमारी माता को मरे 10 साल के करीब हो चुके हैं, उस पर भी मामला दर्ज करा दिया गया है। हम 2018 से सरकारी अफसरों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो भी किया जा रहा है रंजिशन किया जा रहा है, हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के हल्ला बोल इंचार्ज पीटर मसीह ने कहा कि ये लोग आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इनकी माता को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, जो कि मामला दर्ज हुए भी सरासर गलत हैं। ईओ भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये लोग पिछले साल से किराया नहीं दे रहे थे, जिसके चलते इनकी दुकानों को सील कर दिया गया है, जो कि इन्होंने दुकानों की सरकारी सील तोड़ दी थी, जिसके बाद 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसमें मृतक औरत का भी नाम इसलिए है क्योंकि दुकान मृतक औरत के नाम पर ही थी। उसके बेटे ने नगर काउंसिल को इतला नहीं दी कि उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है। यह गलत है। गलती किसी की भी हो, मामला चाहे न्यायपालिका में चल रहा हो, लेकिन यह किधर का कानून है कि मृतक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के बड़े जुझारू जो पंजाब की पूरे भारत पार्टी का निर्माण किया गया ही, उदों के लोग जोड़े ने साडे वलंटियर ने फतेहगढ़ चूड़िया तो नाल चले ही गए और इन्होंने पार्टी मुद्दे करके ही जोड़ा वा, क्योंकि 17 की इलैक्शन जो पंजाब सरकार बनी है इन्होंने शरेआम आम आदमी पार्टी के बूथ लाए थे और वो करके 212 दुकाना जीडिया डिफाल्टर उसे गिनी गई। बट टारगेट जोड़ा इन्होंने मेन दो बंद बनाया गया और ये इन्होंने प्रशासन ने रिक्वेस्ट भी की कि जो किराया वा आप दे सकते हैं। चलो एक मामला ये जी 2017 की गल है, 2017 10 अक्टूबर तो ये 24 अक्टूबर 10 2017 की ये आ जी साढ़े को दुकाना ने कमेटी दिया दुकाना 213 ने भुपिंदर साहब जेडे ईओ ने उन्होंने खुद 92 लिखा कि 213 दुकाना ने 213 दुकाना के सारे ही बंदे डिफाल्टर ने तो उन्हें को किराया कराने वास्ते आप उत्ते कार्रवाई की जेडे 213 दुकाना जिन्हों को डिफाल्टर ने तो सिर्फ कार्रवाई की जाती है जी सिर्फ 8 जाने तो 8 जाने तो बाद भी 3 जाने वो कट दिता जाता सिर्फ रह जाने आप बकाया 5 जाने 5 जाने एक जे मेरे माता जी आज 2009 के जोड़े उन्होंने मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने डैथ सर्टिफिकेट मेरे को भी परचे रखा जाता क्योंकि नगर कौंसल फतेहगढ़ चूड़िया की जिहड़ी मेन इनकम आ साडे जिहड़ियां रेंट ते 213-214 दुकाना वा जिहदा किराया हुंदा आ और इहदे विच हाउस ने एक मता पाया कि जिहड़े किराएदार 1 लाख तो उपर दे डिफाल्टर ने उहनां दीआं दुकानां नूं सील कर दिओ जे उह किराया नहीं दिंदे। इहदे अनुसार आपां जो साडे रिकॉर्ड 'च तुसीं बोल रहे हो कि सीता राणी ते वी परचा दर्ज होया, उहनां दी डैथ हो चुकी आ लगभग कोई 8-10 साल पहलां, उहदी इंटीमेशन संबंधित परिवार ने देनी हुंदी है। नगर कौंसल नूं नहीं पता लगता भी किसे दी डैथ हो गई आ जां नहीं होई, उहदी इंटीमेशन उहदे बेटे वल्लों दित्ती जाणी सीगी